Hi everyone, how are you all? I hope you are all safe. So now we again start with a new topic today in the same series, how to learn English. So in this I am going to tell you the more formation, and you will learn how to remember all this formation in your mind with a one go. तो शुरुआत करें हम लोग, तो शुरुआत जो की थी वो हम लोगों ने प्रेजेंट सिंपल से की थी, आपको अगर याद है. उसके बाद में फिर मैंने आपको बी फॉर्म का प्रयोग बताया था, जो प्रेजेंट में यूज़ करते हैं, कैसे इज आर एंड का प्रयोग करते हैं वो सीखा था. बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मेशन थी वो सारी. उसके बाद बी फॉर्म को कैसे कंटिन्यूटी में लाना है, और जो भी चीज़ आपके आसपास कंटिन्यूटी में चल रही है उसको कैसे हम लोगों को लिखना है, या फिलिंग दी ब्लैंक्स भरना है, या कहीं पे भी किसी चीज़ को पढ़ रहे हैं तो उसकी फॉर्मेशन से हमें पता लगाना है कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है. ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं. आज उसे एक कदम और आगे, और ये सारी चीज़ें जब चलती रहेगी और जब ये पूरा साइकिल कंप्लीट हो जाएगा, ऑटोमेटिकली यू अंडरस्टैंड, हाँ यार यस इस प्रकार से अपने को करना है. बट फाइनली अगेन आई रिमाइंड यू, वोकैबुलरी पावर, यू हैव टू हैव गुड वोकैब पावर. अनलेस एंड अंटिल यू हैव गुड वोकैब पावर, दीज फॉर्मेशंस आर नॉट ऑफ दैट वर्ल्ड. सो बेटर यू स्टार्ट प्रिपेयरिंग. लॉट ऑफ टाइम इज देयर नाउ विद यू ऑल ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन पीरियड. तो आप तैयार करते रहें, पढ़ते रहें. चलो आज की बात करते हैं. तो प्रेजेंट सिंपल से हम लोगों ने शुरुआत की थी. प्रेजेंट सिंपल में हमने जनरली बहुत सारे यूजेस हैं, लेकिन उसमें जनरली रूटीन वर्क. ओके, फिर उससे आगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस. इसमें हम लोगों ने देखा था कि कंटिन्यूटी चीज़ें जो चल रही होती है उसको देखते हैं. प्रेजेंट परफेक्ट, परफेक्ट का मतलब क्या होता है, पूर्ण. इफ़ यू से इन हिंदी मीन्स कंप्लीटेड. तो एक क्रिया जो कि वर्तमान में ख़त्म हो गई है, चल रही थी, ख़त्म हो गई है, अब उसको अगर हमें शो करना तो हम कैसे शो करेंगे. तो देखिए मैंने आपके लिए एक चेन बनाया है. मानो रूटीन वर्क है, ही गोज, कहीं भी जाता हूँ, अगर वो कंटिन्यूटी में जा रहा है तो वो बन जाएगा ही इज गोइंग. और अगर वो जा चुका है, इन केस वो यहाँ से निकल गया है और वो पहुँच गया है, जो भी है क्रिया एक्शन कंप्लीट हो गई है, सो ही इज गोन. तो ये आपकी सीरीज बन गई है, और ये तीनों सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर ये याद रख लेते हो तो इसको आप पैटर्न से भी समझ सकते हो, फिर रूल्स की इतनी जरूरत भी नहीं पड़ती है. सो ही गोज, ही इज गोइंग, ही इज गॉन. मैंने एक दूसरा सेंटेंस ले लिया, आई रीड, मैं पढ़ता हूँ. आई एम रीडिंग, मैं पढ़ रहा हूँ, मीन्स कंटिन्यूटी इज गोइंग ऑन. और मैंने कंप्लीट कर लिया, मैंने अपने पढ़ लिया है, आई हैव रीड, मैटर एंड्स, बात खत्म हो गई. तो अब ये प्रेजेंट परफेक्ट क्या है, ऑलरेडी हम लोगों ने देखा है कि कंप्लीट हो जाती है चीज़ें. तो ये यही करता है जो लिखा हुआ है, मैंने लिख के रखा है आप लोगों के लिए. शोज दैट एक्शन इज जस्ट कंप्लीटेड, अभी अभी क्रिया खत्म हुई है, उसका इम्पैक्ट आपके ऊपर है. यू फील द इम्पैक्ट ऑफ दैट. इफ यू डोंट फील द इम्पैक्ट देन इट इज़ इन पास्ट. बट इफ़ यू फील द इम्पैक्ट कि नहीं अभी अभी, जैसे खाना अभी खाया है यार, अभी मुँह में थोड़ा उसकी मिठास बची हुई है, इट मीन्स इट इज़ इन प्रेजेंट परफेक्ट. वो अभी भी गया, जस्ट छोड़ा ही आपने उसको. तो लाइक वाइज, तो वो सारी चीज़ें प्रेजेंट परफेक्ट में कवर होती है. और इसका सीधा सा इतना ही समझना है, आपके दिमाग में इतनी बात समझ में आनी चाहिए कि जो क्रिया जस्ट खत्म होती है, अभी भी खत्म हुई है, कोई भी क्रिया हो उसको आपको प्रेजेंट परफेक्ट को यूज़ करते हुए लिखना है या बोलना है. और इसके लिए कुछ एडवर्ब्स जो है टाइम के, जैसा हमेशा मैं हर एक टेंस के साथ देता हूँ, तो यहाँ पे भी मैंने दिया आपको, ऑलरेडी पहले से ही, रिसेंटली हाल में ही, जस्ट अभी, जस्ट ना अभी अभी, सो फार अब तक, यट अब तक, यहाँ पे यट का मतलब अब तक. इज नॉट लाइक किंतु, व्हाट वी यूज इन अदर वे लाइक कंजक्शन, बट इट्स नॉट कंजक्शन हियर, इट्स एडवर्ब. स्पेशल केस ये बन रहा है ना, सिंस एंड फोर का भी प्रयोग होता है. बहुत ही कम लोग जानते हैं कि सिंस फोर का प्रयोग प्रेजेंट परफेक्ट के साथ होता है. कहाँ होता है, बहुत ही अच्छा टिप्स है, जरा ध्यान से देखना. पास्ट से कोई क्रिया चल रही है, प्रेजेंट में अभी विद्यमान ही है, वो चल ही रही है. कंटिन्यूटी वैसे दिखती नहीं है, बट कंटिन्यूटी में है और आगे भी चलेगी. जैसे कि आप अपने लिए बोलो कि मैं दिल्ली में 2 वर्ष से हूँ, या मैं दिल्ली में 2010 से हूँ. इसका मतलब
2020 चल रहा है, 10 साल पहले से आपने रहना शुरू किया, अभी भी आप रह ही रहे और आगे भी रहने की संभावना है। सेम थिंग विल बी कवर्ड इन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, लेकिन उसका फॉर्मेशन चेंज होगा, उसका हिंदी अर्थ थोड़ा बदलेगा, चीज़ें वही है बट थोड़ा सा फर्क तो है। तो ये मैंने यहाँ टिप्स ही बना दिया आपको कि क्या यूज़ करना है। पास से कोई क्रिया शुरू होकर प्रेजेंट में है और आगे भी चलने की संभावना है। सिंस फोर का प्रयोग अगर करना है हमें और वो सिंस फोर के साथ बी की फॉर्म का प्रयोग करना है इनकेस, तो ये रिलेशन बन जाता है, तब जाके हमें सिंस फोर का प्रयोग करना होता है बी के साथ में, वो भी मैं आपको अभी करके बताऊंगा ब्लैंक्स। तो फाइनली जो रूल बनकर आया है अफर्मेटिव रूल प्रेजेंट परफेक्ट के लिए, सब्जेक्ट एज इट इज, यू नो दैट वी हैव टू स्टार्ट विद द सब्जेक्ट, हैज इट इज मेन वर्ब इन अदर केसेस बट हियर इट इज हेल्पिंग वर्ब ऑनली एक्चुअली दैट विल टेक लेटर ऑन हैज एज ए मेन वर्ब बट हियर इट इज ओनली हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब केस इज टोटली डिफरेंट। देन वी हैव टू यूज वर्ब थर्ड फॉर्म यूज करेंगे एंड देन ऑब्जेक्ट। अब यहाँ वैसे आप लोगों को पता ही होगा, फिर भी मैंने डिफाइन कर रखा है आई यू वी दे जो प्रोनाउन केसेस हैं, इन प्रोनाउन केसेस के लिए एंड साथ में नाउन प्लूरल केसेस के लिए वी हैव टू यूज हेल्पिंग वर्ब एज ए हैव, ही सी इट, ये जो प्रोनाउन केस है और इसके साथ में नाउन सिंगुलर केस है उसके लिए हमें हैज का प्रयोग करना है। इस फॉर्मेशन के साथ आप प्रेजेंट परफेक्ट में उन सब चीज़ों को लिख सकते हो जिसकी क्रिया जस्ट खत्म हुई है। तो मैं आपको कुछ बताने वाला हूँ, लेट अस सी, मैं रूल यहीं छोड़ रहा हूँ अभी और मैं आपको ये सब करके बताने वाला हूँ। सपोज वन ब्लैंक इज गिवन, वी अंडरस्टैंड विद द ब्लैंक ओनली, now you see one blank is given, this may come in exam also, here the adverb is given recently, you have to remember this one, that recently denotes to present perfect, matlab haal mein jo cheez hui hai, he recently leave for mumbai, aisa kehna cha raha hai ki abhi wo haal mein mumbai ke liye chala gaya hai। अब इसको अगर आप आइडेंटिफाई कर लेते हैं एडवर्ब को, प्रेजेंट परफेक्ट को शो कर रहा है, तो अब ये रूल अपने सामने है, ही के लिए वी हैव टू यूज हैज एंड लीव थर्ड फॉर्म इज लेफ्ट, ही हैज रिसेंटली लेफ्ट फॉर मुंबई, वो हाल में बॉम्बे के लिए निकल गया है, मतलब क्रिया खत्म हो गई है। हिंदी में जनरली इसमें या है लास्ट में आ जाता है, वो भी मैं थोड़ा आपको शो कर देता हूँ, ऐसा फील कर लेते हैं हम लोग तो बड़ा ईजी हो जाता है समझना कि या है आ रहा है, चला गया है, खाना खा लिया है, आ गया है। और कई बार कई सारे जगह पे आपने देखा होगा कुछ जैसे चुका है, वो जा चुका है, आ चुका है, मतलब क्रिया तो हो गई है लेकिन उसका असर अभी भी दिखाई दे रहा है, ऐसी हिंदी भी निकल सकती है। तो आप इसको देख सकते हैं, हिंदी इज नॉट सो कंपल्सरी बट थिंग इज दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड एज आई टोल्ड माई फर्स्ट क्लास दैट वी आर हिंदी स्पोकन वी हैव टू थिंक इन हिंदी ओनली इनिशियली अनलेस एंड अंटिल वी प्रैक्टिस अ लॉट, it requires a lot of you know practice to leave Hindi mind, so we have to practice a lot, but before that once we start translate karna jab shuru karte hain to ek baar Hindi thoda dimag mein zarur aata hai, usi ko dhyan rakh kar thoda Hindi batata rehta hu। To ye aapne dekha, ab mano ki B form ka case bahut important hai, mujhe ek sentence likhna hai ki woh Bombay mein 10 varshon se hai, wo likhna hai, usi ko main translation mein bhi convert kar dunga lekin main blank ke hisab se bata raha hu aapko, ये आपको बी की फॉर्म एग्जाम में ऐसे दे देंगे बी फॉर्म इन मुंबई। अब एक बी फॉर्म हम ऑलरेडी देख चुके हैं इस आ रहे हैं, वो केस अलग था, अगर इतना ही होगा और मैं यहाँ पे मानो कि नाउ ले लेता हूँ, अभी इसी को मैं चेंज करके बताऊंगा, तो नेचुरली मुझे इस पे ही जाना पड़ेगा इस बी फॉर्म के लिए, ये ऑलरेडी हम सीख चुके हैं, लेकिन मैं इसको मिटा रहा हूँ यहाँ पे नाउ और मैं अब यूज कर रहा हूँ सिंस 2010, कहने का मतलब कि 2010 से वो होंगे मैं, अगर ऐसा केस हो गया तो दिस इज नॉट करेक्ट, देन यू हैव टू यूज प्रेजेंट परफेक्ट फॉर्मेशन। तो आप बताएं ई के लिए क्या आ जाएगा, हैज आ जाएगा,
और बी की थर्ड फॉर्म आएगी अब इसमें। अब बी की थर्ड फॉर्म क्या है वो देख लेते हैं। बी फर्स्ट फॉर्म जिसको हमने ट्रांसफॉर्म किया था इजार एम ने, वो भी याद होगा आपको। सेकंड फॉर्म बीन होती है, ये भी ट्रांसफॉर्म हो जाती है, और थर्ड फॉर्म भी बीन है। अब ये बी जो थर्ड फॉर्म है बी थ्री, इसी का प्रयोग हम करेंगे, तो ये बिल्कुल ही प्रेजेंट परफेक्ट के श्रेणी में आ गया। ये आपका हेल्पिंग वर्ब है और ये बी थ्री है। अगर इसकी हिंदी निकालें तो वह बॉम्बे में 2010 से है। देखो आपने क्रिया पास से शुरू हुई, प्रेजेंट में अभी है, वो बी फॉर्म बता रहा है और आगे भी संभावना बनी रहेगी। तो इस प्रकार से अगर आप दिमाग में ये बातें रखते हैं कि रूटीन में क्या हमें यूज़ करना है, किसी चीज़ का एग्जिस्टेंस दिखाना है तो क्या यूज़ करना है, कौन से टेंस का प्रयोग करना है, कौन सी फॉर्मेशन का प्रयोग करना है, कंटिन्यूटी में कोई चीज़ें हैं तो उसमें हमें क्या प्रयोग करना है, और अगर कोई चीज़ कंप्लीट हो जाती है, एक्शन कंप्लीट हो जाता है और प्रेजेंट में ही है उसका इम्पैक्ट, तो हमें क्या यूज़ करना, प्रेजेंट परफेक्ट यूज़ करना है। तो एक चेन बन गई, इफ़ यू रिमेंबर ऑल दिस थिंग आई डोंट थिंक यू नीड इवन रूल्स, यू कैन ट्रांसफॉर्म दिस थिंग एंड यू कैन चेंज द सेंटेंसेज एंड यू कैन बिकम मास्टर ऑफ इट। सो फॉर द डे थैंक यू वेरी मच। इफ़ यू लाइक अवर वीडियोज़, सब्सक्राइब अवर वीडियोज़। Now, see you in next class.